हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेसन में हम कुछ ऐसी मशीन्स के नाम इंग्लिश में जानेंगे जो यूज़ होती है खेती बाड़ी में, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी हम इंग्लिश में जानेंगे जो जुड़ी हुई है खेती बाड़ी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकल, सिकल इसका मतलब होता है दराती, हसिया। इसे फसल और चारा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शावल, शावल इसको हम हिंदी में कहते हैं खुरपी। ये खरपतवार निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। खरपतवार वो पेड़ पौधे होते हैं जो फसल में बिना उगाए उग जाते हैं, जो फसल की पैदावार पर इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। शावल का इस्तेमाल लूज मटेरियल को हटाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मिट्टी, बर्फ या कूड़ा। चोपर, चोपर मीन्स गंडासा। एक मशीन होती है जो हरा चारा काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लाओ, प्लाओ मीन्स हल। मस्टर्ड स्टिक फ्यूल यानी सरसों का ईंधन। काओ डंग केक गाय के गोबर के उपले। कैनिस्टर, कैनिस्टर कि ये एक मेटल का कंटेनर होता है जो केमिकल और खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायरप्लेस, फायर पैन ग्रेट मीन्स अंगीठी। अंगीठी मेटल का वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आग जलाई जाती है। रेक, रेक मीन्स दंताली या पांचा। ये एक टूल होता है जो धरती का लेवल सही करने या कूड़ा खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स, एक्स कुल्हाड़ी इसका इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए करते हैं। डिस्क, हैरो डिस्क, हैरो ये एक मशीन होती है जो मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या होता है, जब मिट्टी टाइट होती है तो उसमें बीज नहीं बोए जा सकते, तो इसीलिए मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। सीडर, सीडर मशीन जो बीज बोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंबाइन, कंबाइन मशीन जो फसल काटने यानी कि पकी हुई फसल को काटने, फसल में से बीज निकालने और फसल को फटकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेलर, बेलर अनाज की गांठ बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।